गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 75 में, क्वेश्चन नंबर 8 में। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। कंट्रीज में जैसे कि यूएसए एंड कनाडा जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर जो है वो मेज़र किया जाता है फ़ारेनहाइट में, वेयर एज कंट्रीज जैसे कि आपकी इंडिया वहाँ पे टेम्परेचर आपका मेज़र किया जाता है सेल्सियस में। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जो कन्वर्ट कर रही है फ़ारेनहाइट को टू सेल्सियस में। एफ़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। हमें देखिए नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देने। फर्स्ट देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन के लिए जो ऊपर दी हुई है, यूजिंग करके सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेकेंड है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस वॉट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट वॉट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस वॉट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो वॉट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर जो है आपका वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा वो पता करना है। फिर नेक्स्ट केस है, अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इन। क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो न्यूमेरिकली सेम होगा बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में, अगर होगा तो उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको समझ में आया इसमें क्या क्या करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 1st नंबर के लिए, फिर 2nd सॉल्व करेंगे, फिर 3rd, 4th एंड 5th। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1st नंबर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं ये पहले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेंगे सेल्सियस को ऑन एक्स एक्सिस में एंड फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस में। द लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाई y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। देखिए यहाँ पे हम लेंगे सेल्सियस को ऑन x एक्सिस पे एंड फ़ारेनहाइट को ऑन y एक्सिस पे, जो लीनियर इक्वेशन होगी फिर क्या हो जाएगी ये, मतलब f की जगह y आ जाएगा, c की जगह x आ जाएगा। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x/5 प्लस 32, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें 5 मिलेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, प्लस अब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, फिर 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 160 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 5 यहाँ पर अपॉन में है, डिवाइड में है, तो यहाँ जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5y = 9x + 160। अब 9x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5y - 9x = 160, इसे आप डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो आ गई इक्वेशन 5y - 9x = 160। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे जिससे हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी और उसके ज़रिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम पुट करेंगे x =
जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। 5y-9x = 160, ठीक। तो 5y एज इट इज रहेगा, 9 की जगह 9x की जगह 0 = 160, ठीक है। तो 9 0 0, ठीक। तो 5y = 160, तो y = 160/5। 160 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 32, ठीक है। तो x जब 0 होगा तो y की वैल्यू आएगी 32। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे x = 5, पुट करेंगे x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में, मींस 5y-9x = 160 में, ठीक। 5y की जगह 5y, 9 की जगह 9, x की जगह क्या पुट करेंगे, 5 = 160। 9 5 = 45, इतना आ जाएगा। फिर ये हम माइनस में तो इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 160 + 45 दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 5 + 0 = 5, 6 + 4 = 10, 1 + 1 = 2, 205। तो 5y = मिलेगा हमें 205, तो y = आ जाएगा 205/5। तो 5 × 5, 5 × 4 = 20, 5 × 5, तो y = आ गया 41। जब x 5 होगा तो y की वैल्यू आएगी 41, ठीक है। नेक्स्ट हम पुट करेंगे x = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में, x = 10 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए 5y-9x = 160 है, ठीक है। तो 5y-9×10 = 160, तो 5y-9×10 = 90 = 160। यहाँ 160 है, माइनस में था तो इधर आएगा तो +90। दोनों को ऐड करेंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 9 में 6 ऐड करेंगे, 15 की 5 कैरी ओवर 1, आ जाएगा 250। तो y = आ जाएगा 250/5, डिवाइड करेंगे 5 × 5, 5 × 5 = 25 and 0, 0 5 0 = 0, तो y = आ गया आपका 50, ठीक है। तो जब x = हमने 10 लिया तो y की वैल्यू आ गई 50। देखिए अब ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ x लेंगे, यहाँ y। जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या आई थी, 32। जब x हमने 5 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 41। जब x हमने 10 लिया तो y की वैल्यू आई 50, ठीक है। जब x 0 लिया तो y आया 32, जब x 5 लिया तो y आया 41, जब x 10 लिया तो y आया 50। अब देखिए जब आपको x और y की वैल्यू मिल गई हैं तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बहुत इजी है। x एक्सिस में आप सेल्सियस लीजिएगा, y एक्सिस में फ़ारेनहाइट लीजिएगा, और जो आप डिवीज़न लेंगे वो 5 5 डिवीज़न लीजिएगा, मतलब 0 to 5, 5 to 10 इस तरह डिवीज़न लीजिएगा, और फिर उसमें ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा। तो ग्राफ आप खुद प्लॉट कर लीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना बता चुकी हूँ और बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम सेकेंड नंबर में, ठीक है। सेकेंड नंबर था क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 30 degrees Celsius, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 degrees Celsius होगा तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा, मतलब x जब 30 होगा तो y क्या होगा, चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं। लिखेंगे if the temperature is 30 degrees Celsius, means that is, हम पुट करेंगे that is x = 30 आएगा, मतलब if the temperature is 30 degrees Celsius, that is, इसका मतलब है x = 30 पुट करेंगे। 5y
माइनस 9x इक्वल टू 160 है, इसमें हम क्या पुट करेंगे x की जगह 30। नाइन थ्री ज़ा 27 माइनस में था 270, इधर आएगा प्लस में 9 3 27 9 0 0, तो मतलब 39 270 आ गया। ठीक है, ठीक, तो 5 by 160 में 270 ऐड करेंगे तो 0 + 0 0 ही आएगा, 7 + 6 13 3 carry over 1 2 + 2 4, तो आ गया 430। तो y इक्वल टू आ गया 430 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 5 5 8 40 5 6 30, तो आ गया y इक्वल टू 86, मतलब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम नीचे लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब टेम्परेचर जो होगा फ़ारेनहाइट में कितना है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेकेंड नंबर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर। इफ़ द टेम्परेचर इज 90, थर्ड नंबर देखेंगे, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री होगा तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा वो फाइन करेंगे, मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब वाई इक्वल टू 95 लेंगे। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हम इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, दैट इज y इक्वल टू 95 है। ठीक, तो 5y माइनस 9x इक्वल टू 160, तो y की जगह हम 95 पुट करेंगे, माइनस 9x इक्वल टू 160। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 95 को 5 से, तो 5 5 25 की 5 कैरी ओवर 2, 5 9 45 45 में 2 जोड़ेंगे 47, तो आ गया 475 माइनस 9x इक्वल टू 160। अब देखिए 475 यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 9x इक्वल टू 160 माइनस 475, माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 475 में माइनस करेंगे हम कितना 160, 5 में 0 माइनस करेंगे 5, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 4 में 1 माइनस करेंगे 3, तो आ गया आपका कितना 350, और ग्रेटर नंबर का साइन है तो माइनस, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, तो 9x इक्वल टू आ जाएगा 315, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 315/9। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम 9 से, 9 1 9 9, 3 27 4 बचेगा 5 मिलके 45 बन जाएगा, तो 9 5 45, एक्स इक्वल टू आ गया आपका 35, मतलब टेम्परेचर आ गया सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर है इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर में जो होगा सेल्सियस में 0 डिग्री होगा तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा वो फाइंड करना है, और अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 0 होगा तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा वो फाइंड करना। चलिए देखते हैं क्या होगा।